हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर देखूंगा मार्केट का जो लोकल सीआरटी चाइना किट है तो ये किट रिपेयर करके। तो दोस्तों, ये एक टेक्नीशियन का पीसीबी है। वो बताया कि इसका जो प्रॉब्लम है कि ये जो मॉड्यूलर, ये न्यू मॉड्यूलर लगाने का बाद, तो दोस्तों इसका 110 वोल्ट ओके करने का बाद कुछ टाइम ये लोड देके, मतलब डैमी लोड देके ऑन करके रखने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बट ईएसटी सप्लाई कनेक्टिंग करने के बाद तो दोस्तों ये जो मॉड्यूलर, ये तुरंत ख़राब हो जाता है। ठीक है, वो दो मॉड्यूलर लगाए, वो दो मॉड्यूलर ख़राब हो गया, और उसका साथ तो दोस्तों ये आउटपुट ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम क्या है, कौन सेक्शन का प्रॉब्लम है, किस तरह ये प्रॉब्लम को रिपेयर किया जाएगा, आपको ये वीडियो के अंदर देखाऊंगा। तो दोस्तों, इसका ये पुराना वाला मॉड्यूलर है, तो दोस्तों मैं न्यू मॉड्यूलर लगाऊंगा। और दोस्तों, मॉड्यूलर लगाने का तरीका बहुत कुछ हो सकता है, बट आपको ये वीडियो के अंदर एक अलग सा मॉड्यूलर लगाने का तरीका दिखाऊंगा। ठीक है, इसलिए वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। और दोस्तों, क्यों ये मॉड्यूलर लगाने के बाद फॉल्ट हो जाता है, इसका रीज़न बहुत कुछ हो सकता है, तो ये वीडियो के अंदर वो भी आपको बताऊंगा और देखाऊंगा। और उसका पहले मैं बताना चाहता हूं, हो सकता है ये मॉड्यूलर न्यू लगाने के बाद एक दिन, दो दिन और एक सप्ताह, दो सप्ताह चलने के बाद भी फॉल्ट हो जाता है, तो उसका रीज़न भी अलग है। तो दोस्तों, मान लो ये मॉड्यूलर लगाया, वो एक दिन, दो दिन और तीन चार दिन, एक सप्ताह चलने के बाद जो फॉल्ट हो जाता है, उसका रीज़न हो सकता है मेन फिल्टर कैपेसिटर। तो फिल्टर कैपेसिटर ख़राब होगा तो ऊपर से देखने के बाद भी थोड़ा सा पता चल जाता है, ऊपर फूला हुआ देखने को मिलता है, और तो ये कैपेसिटर न्यू जैसा लग रहा है, ऊपर कुछ भी फूला नहीं है। और हो सकता है कि इसका पावर सेक्शन का अंदर इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तो इसी का रीज़न से मॉड्यूलर ख़राब हो जाता है। और दोस्तों, मार्केट का अंदर एक लो क्वालिटी वाला मॉड्यूलर देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो मॉड्यूलर, ये 3 वायर का मॉड्यूलर है, और ये 110 वोल्ट, ये जो आउटपुट आप देख रहे हो, तो दोस्तों ये 110 वोल्ट का मॉड्यूलर है। ठीक है, तो ये 110 वोल्ट कुछ लोकल क्वालिटी मॉड्यूलर वो खुद ही अपना से ही ख़राब हो जाता है, वो एक रीज़न है। ठीक है, तो मेरा पास अलग से मॉड्यूलर है, तो ये वाला मॉड्यूलर, ठीक है, ये 110 वोल्ट का मॉड्यूलर है। ठीक है, ये मॉड्यूलर मैं लगाऊँगा, लगाने के बाद इसका पावर सप्लाई को फर्स्ट 110 वोल्ट को रेडी करूँगा। ठीक है, रेडी करने के बाद इसका फ्यूज शॉर्ट हो जाता है, तो दोस्तों ये मॉड्यूलर मैं यहाँ पर लगाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मेरा जो टारगेट किया कि आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है, इसका रीज़न जो हो सकता है, इसका अंदर 1600 वोल्ट वाला जो पीएफ देखा जाता है, ये दो पीएफ का अंदर वो 1600 वाला बूस्ट पीएफ प्रॉब्लम हो सकता है ईएसटी भी प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा चेक करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, कुछ भी पार्ट्स चेंज करने का पहले फर्स्ट आपको एक बार कूल टेस्ट करना पड़ेगा कि इसका अंदर कुछ भी शॉर्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मीटर को मैं कंटिन्यूटी मोड पर मैं सिलेक्ट किया, ये देखिए बाजर बज रहा है, और ये जो मेन नेगेटिव है ईएसटी का नेगेटिव का साथ, ये जो सप्लाई लाइन है, देखिए ये ईएसटी सप्लाई लाइन अभी शॉर्ट बात रहा है। ठीक है, और ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का ये जो कलेक्टर पिन, ये भी शॉर्ट बता रहा है। ट्रांजिस्टर का बेस पिन, कलेक्टर पिन और इमीटर पिन, ये सब कुछ शॉर्ट बता रहा है नेगेटिव का साथ। तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, इसका शॉर्ट को रिमूव करना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली कौन सा पार्ट शॉर्ट है। हो सकता है कि इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, तो इसीलिए आउटपुट ट्रांजिस्टर को भी एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं डिसोल्डर विग लेके ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है ये ओपन करके देखूंगा। उसका पहले ये डायोड भी शॉर्ट होगा तो तब भी दोस्तों नेगेटिव का साथ वो शॉर्ट दिखाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए डायोड भी शॉर्ट बता रहा है, तो इसीलिए ये जो रेजिस्टेंस है ईएसटी सप्लाई लाइन का अंदर, ये रेजिस्टेंस एक बार ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद फर्स्ट पता चल जाएगा कि ये डायोड शॉर्ट है कि इसका ईएसटी सेक्शन शॉर्ट है, पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं प्रैक्टिकल सब कुछ आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो ये जो ईएसटी सप्लाई लाइन का रेजिस्टेंस है, चलिए ये रेजिस्टेंस को देखिए मैं ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद
मीटर लेके एक बार टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि ये डायोड अभी शॉर्ट बता रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, ESD सप्लाई ओपन करने के बाद तब भी ये शॉर्ट बता रहा है। तो ये दोस्तों ESD सप्लाई लाइन का रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस मैं ओपन कर दिया, इसका मतलब ये जो डायोड है ये डायोड खुद शॉर्ट हो सकता है। तो चलिए फिर भी एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। देखिए ये डायोड शॉर्ट बता रहा है दोस्तों, इसका साथ पैरेलल एक PF है, ये PF भी शॉर्ट हो सकता है। और दोस्तों नेगेटिव का साथ यहाँ पर एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है। इसका अंदर तीनों पार्ट्स है, कुछ भी पार्ट शॉर्ट हो सकता है। और इसका साथ देखना पड़ेगा कि ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव का साथ सप्लाई पिन भी शॉर्ट बता रहा है, मतलब ये सेक्शन का अंदर तो शॉर्ट ही है और इसका आउटपुट सेक्शन का अंदर भी शॉर्ट है। तो फर्स्ट ये शॉर्ट को कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट शॉर्ट है। तो अधिकतर शॉर्ट हो जाता है ये डायोड, तो डायोड को एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ESD सप्लाई लाइन का अंदर जो डायोड ये जब शॉर्ट हो जाता है, बहुत कमेंट का अंदर मैं देखा, बहुत दोस्त ने बताया है कि सर यहाँ पर मैं जितना बार डायोड लगा रहा हूँ वो फिर भी शॉर्ट हो जाता है, इसका रीज़न क्या है। तो दोस्तों एक्चुअली आप कुछ भी डायोड यहाँ पर नहीं लगा सकते, ठीक है, आपको पुराना आप न्यू डायोड लगाएगा तो वो भी शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर डायोड का क्वालिटी बहुत चाइना डायोड आ गया। तो आप पुराना PCB से डायोड ओपन करके लगाइए तो दोस्तों ओके हो जाता है अधिकतर, नहीं तो कौन सा डायोड यहाँ पर लगाना पड़ेगा, चलिए आपको लगा के दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये डायोड तो मैं अभी ओपन कर दिया, फिर भी एक बार देखना पड़ेगा यहाँ पर शॉर्ट है कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए ये शॉर्ट रिमूव हो गया, मतलब ये डायोड पूरा शॉर्ट है। तो हो सकता है दोस्तों इसी का रीजन से मोटोरोला लगाने के बाद वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। और दोस्तों और एक बात, ESD सेक्शन का अंदर ESD खराब हो जाएगा तो ESD खराब होने का रीजन से भी ये डायोड जितना बार लगाओगे तो दोस्तों ये शॉर्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये डायोड शॉर्ट होने का पहले इसका बीच में जो रेजिस्टेंस रहता है ये ओपन हो जाता है, जब वो रेजिस्टेंस ओपन नहीं होगा तो ये डायोड के ऊपर प्रेशर आ जाता है और ये डायोड खुद शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि ये डायोड से ही वोल्टेज आउटपुट होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये डायोड ओपन करके आपको एक बार बाहर करके देखूंगा, ठीक है, कि ये डायोड शॉर्ट है कि नहीं है। तो दोस्तों ये डायोड को मैं ओपन किया, ओपन करने के बाद ये गिर गया तो कोई बात नहीं, आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो डायोड है ये देखिए पूरा शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो डायोड नंबर है PCB का अंदर HER208 जो ये PCB का अंदर डायोड है HER208, तो मैं यहाँ पर अलग से एक डायोड लगाऊंगा। वो डायोड लगाने का पहले इसका अंदर RX शॉर्ट है, जो आपको अभी टेस्ट करके देखूंगा कि ये जो नेगेटिव है ESD का, नेगेटिव का साथ देखिए ये जो ट्रांजिस्टर का नेगेटिव ये शॉर्ट बता रहा है। तो अभी ये चेक करने के लिए फर्स्ट क्या करना पड़ेगा कि आउटपुट जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर का जो मिडिल पिन कलेक्टर पिन को ओपन करना पड़ेगा। तो आपका सामने प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट करने के बाद प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा एक्चुअली इसका कौन पोजीशन शॉर्ट है। देखिए ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन मैं ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद फास्ट देखना पड़ेगा कि ये ESD के साथ, तब भी दोस्तों इसका सप्लाई पिन शॉर्ट है। तो हो सकता है इसका कनेक्टिंग कुछ भी ये सोल्डरिंग हो सकता है। तो पूरा ट्रांजिस्टर को ओपन करके देखना पड़ेगा, पूरा ट्रांजिस्टर ओपन करने का पहले ये जो ESD का पिन है ये पिन को एक बार ओपन कर दूंगा।
आने के बाद और कंफर्म हो जाएगा कि दोस्तों ये भी शॉर्ट हो सकता है। तो दोस्तों आपका सामने ही मैं प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, बट आपको प्रैक्टिकली ये वीडियो देखने को मिल जाएगा कि किस तरह शॉर्टिंग को रिमूव किया जाता है, एक एक लाइन ट्रैक करके एक एक पोजीशन को ओपन करके कैसे शॉर्टिंग को रिमूव किया जाता है, ये वीडियो देखने के बाद ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों लग रहा है कि ये स्टेप पिन ओपन हो गया, और उसके बाद तब भी दोस्तों ये सप्लाई लाइन के साथ शॉर्ट बता रहा है। तो चलिए और थोड़ा रुकना पड़ेगा, मैं ये जो ये स्टेप पिन है हो सकता है ये लाइन के साथ सोल्डरिंग अच्छा से रिमूव नहीं है, इसीलिए भी शॉर्ट हो सकता है। तो ये नीडल लेके मैं इसको इसी तरह क्लियर कर दिया, फिर भी दोबारा एक बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए इसका शॉर्टिंग रिमूव हो गया, मतलब दोस्तों देखिए ये जो नेगेटिव है नेगेटिव का साथ ये जो ESD सप्लाई लाइन का साथ ये शॉर्टिंग रिमूव हो गया। तो आपको ESD का जो पिन या पॉट देखिए कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, बट ये जो लाइन है लाइन का अंदर शॉर्टिंग है, ठीक है, ESD शॉर्टिंग नहीं, ये लाइन का अंदर शॉर्टिंग है। तो दोस्तों इसीलिए देखना पड़ेगा कि ये ट्रांजिस्टर पूरा ओपन करके, क्योंकि इसका अंदर कनेक्टिंग रहेगा तो शॉर्टिंग दिखाएगा, तो इसीलिए ट्रांजिस्टर को पूरा ओपन करके देखना पड़ेगा। और ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं होगा तो इसका अंदर अरेक्सा पार्ट्स है जो बूस्ट पिए वो शॉर्ट हो सकता है। तो फर्स्ट ये ट्रांजिस्टर का तीनों लेग को ही मैं बाहर कर देता हूँ। चलिए दोस्तों ये ट्रांजिस्टर पूरा बाहर करके आपको दिखाऊंगा। तो ये ट्रांजिस्टर मैं पूरा बाहर कर दिया, और अभी इसी टाइम देखना पड़ेगा कि इसका शॉर्ट रिमूव हो गया है कि नहीं। ये जो सप्लाई लाइन है सप्लाई लाइन का साथ देखिए ये जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन ये तो शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर चलिए मैं ये लाइन से नेगेटिव का साथ देखिए ये कलेक्टर पिन का शॉर्टिंग रिमूव हो गया, ये देखिए शॉर्टिंग रिमूव हो गया, ठीक है। और इसका ये नेगेटिव है और यहाँ पर शॉर्टिंग दिखाएगा, क्योंकि इसका अंदर ये नेगेटिव का साथ है ड्राइवर कॉइल का कनेक्शन है, इसीलिए ये दोनों पॉइंट शॉर्टिंग दिखाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये ट्रांजिस्टर का बेस पिन है, इसका अंदर एक ड्राइवर कॉइल कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो ESD का ये शॉर्टिंग अभी नहीं है, बट दोस्तों ये जो मान लो ये ट्रांजिस्टर ओपन करने के बाद तब भी शॉर्ट दिखाएगा तो ये लाइन का अंदर नेगेटिव के साथ PF रहता है, ये PF शॉर्ट होता है, ठीक है। तो लग रहा है कि इसका सब कुछ ओके है और इसका अंदर और कुछ भी कनेक्शन नहीं है, इसका अंदर जो PF है ये PF ओके है कि नहीं है आप चेक कर सकते हो। तो चलिए मेरे पास अलग से एक मीटर है, वो मीटर लेके आपको PF चेक करके देखूंगा जी वो PF ओके है कि नहीं है। तो दोस्तों ये HTC कंपनी का DM90 मॉडल का मीटर है, ये मीटर का PE मीटर से PF चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर चाइना PCB का अंदर अधिकतर 9.1 के का PF देखा जाता है, तो ये PF
ओपन है कि नहीं है। चलिए मैं चेक करके देखता हूँ। तो दोस्तों देखिए ईपीएफ का कुछ भी रीडिंग नहीं है, इसका मतलब हो सकता है ईपीएफ खराब हो गया, ठीक है। इसी का रीजन से दोस्तों चलिए इसका मॉड्यूलर खराब हो जाता है। चलिए ये पीएफ ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए ये जो लाल वाला पीएफ है, ये जो पीएफ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं पीएफ को ओपन किया और ये पीएफ का ऊपर जो नंबर लिखा है 682, मतलब 6.8K। तो दोस्तों यहाँ पर 6.8K का पीएफ है। तो 6.8K पीएफ मीटर के अंदर ओके रीडिंग दिखाएगा। तो क्यों ये लो वैल्यू का पीएफ है, चाइना किट होगा। तो दोस्तों देखिए ये पीएफ का कुछ भी रीडिंग, सॉरी दोस्तों मैं अलग सा मीटर का कोड मैं लेके टेस्ट कर रहा हूँ, ये मीटर का कोड लेके, इसलिए नहीं दिखा रहा है कुछ भी रीडिंग। तो दोस्तों ये मीटर का कोड यहाँ पर है। तो चलिए दोस्तों देखिए ये पीएफ अभी ओके है, 6.9 ये प्रॉपर देखा जाता है। तो दोस्तों ये पीएफ वैल्यू लग रहा है चेंज किया जो टेक्नीशियन यहाँ पर वो पीएफ लगाया, ठीक है। तो वो टेक्नीशियन को पूछना पड़ेगा कि ये कौन सा टीवी का अंदर ये चासिस को लगाया, ठीक है। उसके बाद ये पीएफ मैं लगाऊंगा। तो चलिए उसको बाद पूछने के बाद ये लगाऊंगा, नहीं तो मैं 9.1K का पीएफ यहाँ पर लगाऊंगा। तो दोस्तों फाइनल इसी टाइम ये जो पीएफ मैं ओपन किया बूस्ट पीएफ, यहाँ पर इसका वैल्यू वो टेक्नीशियन खुद ही चेंज किया। जब दोस्तों देखा कि ये मॉड्यूलर लगाने के बाद बार बार शॉर्ट हो जाता है आउटपुट ट्रांजिस्टर के साथ, तो वही ट्रांजिस्टर को भी चेंज किया। तो आपको नहीं देखा कि ये जो ट्रांजिस्टर अभी शॉर्ट है, ठीक है। आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या शॉर्ट मिला। ये ट्रांजिस्टर तो ओपन किया आपका सामने ही, ये देखिए, ठीक है, पूरा शॉर्ट हो गया। और ये डायोड शॉर्ट हो गया जो आपको दिखाया, ठीक है। ये 110 वोल्ट लाइन का डायोड है, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया। तो फर्स्ट मैं ये 110 वोल्ट लाइन का अंदर जो डायोड डला होगा लगाऊंगा, ये 15J, ठीक है, 15J, ये 15J का डायोड है, ठीक है। ये डायोड बहुत बढ़िया चलता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बट आउटपुट सेक्शन शॉर्ट होगा तो उसी का रीजन से भी ये डायोड भी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायोड तो मैं लगाऊंगा, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर लगाऊंगा, यहाँ पर ट्रांजिस्टर मौजूद है 24C9924D2499, आप 1803 भी लगा सकते हो। और यहाँ पर मैं 9.1K बूस्ट पीएफ, मतलब इसका ऊपर जो लिखा है 912J, ठीक है, ये पीएफ यहाँ पर लगाऊंगा। तो चलिए ये पीएफ आपको मीटर करके भी एक बार दिखाता हूँ कि ये पीएफ सही रीडिंग देता है कि नहीं। अब मीटर पर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों चलिए मेरा पास ये दूसरा पीएफ है 912, मतलब 9.1K का ये पीएफ है, ये देखिए 9.3 शो हो रहा है, 9.313 nF, ठीक है, ये शो हो रहा है। और दोस्तों इसका पीएफ वैल्यू 912, ठीक है, इसका मतलब 9.1 nF। तो मीटर के अंदर ये शो हो रहा है। पीपीएफ का टॉलरेंस कलर होता है, तो दोस्तों ये जो जे ये 5% प्लस माइनस हो सकता है, तो इसका वैल्यू थोड़ा सा 5% माइनस और प्लस हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा वैल्यू हाई ये दिखा रहा है। तो चलिए पूरा फाइनली कनेक्शन करूँगा। और इसका जो आर एक रीजन है, ये डायोड शॉर्ट हो गया, ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, बार बार ये जो शॉर्ट हो जाता है, इसका आर एक रीजन है कि ESD, ठीक है। ये पीएफ लगाऊंगा, लगाने के बाद वो ESD को चेंज नहीं किया है, तो इसीलिए यहाँ पर जो पुराना वाला ESD है, ये पीएफ मैं चेंज करूँगा। पीएफ चेंज करने का पहले फास्ट 110 वोल्ट को मैं एडजस्ट करूँगा, ठीक है। 110 वोल्ट को एडजस्ट करने के लिए आपको ये जो डायोड है
डाट को लगाना पड़ेगा, उसका पहले ईएसटी में फर्स्ट बदल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको सब कुछ दिखाऊंगा। फाइनली दोस्तों ये पीसीबी का अंदर यहाँ पर बूस्ट पी में चेंज किया, 9.1 पीएपी यहाँ पर लगाया, इसका आउटपुट रजिस्टर लगाया और इसका अंदर 110 वोल्ट लाइन का अंदर 15J डायोड लगाया, ठीक है। और इसका ईएसटी सप्लाई लाइन रेजिस्टेंस अभी ओपन है और यूएसटी भी न्यू लगाया, ठीक है, ये कनेक्शन किया न्यू ईएसटी। और उसका बाद अभी जो करूँगा कि इसका पावर सेक्शन का अंदर आप देख सकते हो बहुत कुछ पार्ट्स जला हुआ है, इसलिए वो मॉड्यूलर लगाया, तो चलिए मैं भी मॉड्यूलर लगाऊंगा। दोस्तों मॉड्यूलर लगाने का तरीका ये थोड़ा अलग है, आपको ये वीडियो के अंदर जो मॉड्यूलर लगा के देखूँगा कि ये जो मॉड्यूलर मैं चेंज करूँगा आपका सामने ही, ठीक है, चेंज करके अलग से मॉड्यूलर लगाऊंगा, मॉड्यूलर कैसे लगाया जाता है आपको वीडियो के अंदर पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो ये पुराना वाला मॉड्यूलर को मैं बाहर कर लेता हूँ, ठीक है, ये बाहर कर लेता हूँ। इसका अंदर अभी ट्रांजिस्टर नहीं है, ट्रांजिस्टर ओपन है और मेरा पास ये न्यू वाला मॉड्यूलर है, ठीक है, ये न्यू वाला मॉड्यूलर को। तो दोस्तों इसका अंदर तीन वायर है, ये तीन वायर मॉड्यूलर आप आसानी से यूज़ कर सकते हो कुछ भी टीवी के अंदर। इसका अंदर ये जो ग्रीन वायर है ये मैं अभी कनेक्शन नहीं करूँगा, ये कनेक्शन नहीं करेगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका तरीका आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए मैं बाहर कर दिया। और ये जो मिडिल पिन जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन, यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ ये रेड वायर। देखिए दोस्तों ये रेड वायर कनेक्ट करने का जो तरीका है कि ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर पर प्लस सप्लाई आता है, उसका बाद जम्पर है, जम्पर बाद दोस्तों ये चॉपर का पिन पर जाता है और चॉपर से आउटपुट ये जो पॉइंट है यहाँ पर आता है। और दोस्तों रेड वायर आपको यहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेगा, ये जो ब्लैक वायर है ये ब्लैक वायर का आपको कैपेसिटर का जो नेगेटिव है ये नेगेटिव बहुत पोजीशन पर चला गया, आप यहाँ पर भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ से नेगेटिव का जम्पर है। चलिए मैं यहाँ पर कनेक्ट करके आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ईएसटी सप्लाई को कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो दोस्तों अधिक टाइम क्या होता है कि ईएसटी सप्लाई ये जो कनेक्टिंग रहता है, कनेक्टिंग होने के बाद जब हाई सप्लाई आ जाएगा इसी का रीजन से आउटपुट ट्रांजिस्टर फिर भी उड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये रेजिस्टेंस को मैं ओपन किया। रेजिस्टेंस ओपन करने के लिए चाइना पीसीबी के अंदर प्रॉपर वोल्ट एडजस्ट करने के लिए 100 वाट बल्ब लेना पड़ेगा। दोस्तों 200 वाट नहीं है, 100 वाट ओनली, 100 वाट बल्ब आपको लगाना पड़ेगा। कहाँ पर? ये जो डायोड का पॉजिटिव साइड है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा और आरएक वायर को आपको नेगेटिव पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तरीका है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्शन है यहाँ पर भी आप लगा सकते हो। उसके बाद सप्लाई देख के देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये 100 वाट बल्ब मैं यहाँ पर ही रखता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और एसी सप्लाई देना पड़ेगा, चलिए मैं एसी सप्लाई अलग सा यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों ये एसी का पॉइंट है, यहाँ पर अलग से एसी वायर मैं कनेक्ट किया, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद तो अभी एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसका सब कुछ सप्लाई देने का पहले कॉन्टिन्यूटी मोड पर मीटर को रखा हूँ और यहाँ पर अलग अलग जो डायोड है ये शॉर्टिंग तो नहीं है, ये डायोड को एक बार देखना पड़ेगा, तो शॉर्टिंग नहीं है और प्लस लाइन से जो सप्लाई यहाँ पर जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। और नेगेटिव के साथ कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी इसी टाइम एक बार सप्लाई देख के देखूँगा, ठीक है। तो सप्लाई देने का बाद आपको वोल्टेज भी देखना पड़ेगा। ये दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव वायर का कनेक्शन किया है, ठीक है, ये मीटर का नेगेटिव कॉर्ड है यहाँ पर कनेक्ट कर दिया क्योंकि आपको वोल्टेज दिखाना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों मीटर को 200 डीसी रेंज पर चलिए सिलेक्ट कर देता हूँ, मीटर का लाइट ऑन कर देता हूँ और उसका बाद एसी जो कॉर्ड है मैं सीरीज लाइन से फर्स्ट टाइम ये कॉर्ड लगा के टेस्ट करूँगा, ठीक है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ और उसका पहले यहाँ पर जो 110 वोल्ट निकलता है यहाँ पर मीटर को लगने के बाद चलिए मैं सप्लाई दे के दिखाता हूँ। दोस्तों अभी देखिए 14 वोल्ट आ रहा है मीटर के अंदर, ठीक है, 14 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं ऑफ कर देता हूँ सप्लाई को, ठीक है, ये देखिए 0 हो गया। तो अभी ये कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर होगा, ठीक है, ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है आप देख सकते हो, ये देखिए ये देखिए यहाँ पर 13 वोल्ट का आसपास चार्ज स्टोर हो गया, क्योंकि प्रॉपर वोल्टेज जब तक आउटपुट नहीं होगा
तो यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा स्टोर रहता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, ये मॉड्यूलर को मैं हीट सिंक का साथ कनेक्ट कर दूंगा। आप यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हो पी सेट घुमा के। चलिए मैं एडजस्ट यहाँ पर ही कर देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर करने के लिए ये जो कूल सेक्शन का नेगेटिव है, ये नेगेटिव का अंदर ये वायर कनेक्ट करना पड़ेगा मीटर का नेगेटिव, और इसको एक हाथ से पकड़ना पड़ेगा और एक स्क्रू ड्राइवर लेके आपको घुमाना पड़ेगा। इसीलिए मीटर का ये जो कॉर्ड है ये 110 वोल्ट लाइन का साथ रखना पड़ेगा। तो एक हाथ से ये दो हाथ से करूँगा तो एडजस्ट कौन करेगा। तो इसीलिए मैं एक वायर कनेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। तो वायर कनेक्शन करने के बाद दिखाने के लिए भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप देखिए ये 110 वोल्ट लाइन का साथ ये वायर को मैं कनेक्ट किया और ये पीसीबी का साथ मैं टच नहीं किया, ये ऊपर पोजीशन पर मैं रखा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोबारा मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं दोबारा सप्लाई दे दिया, कितना वोल्ट आ रहा है, 14 वोल्ट, और ये सीरीज बल्ब देखिए बहुत हल्का सा जल रहा है, सॉरी आउटपुट लोड बल्ब डैमी लोड हल्का सा जल रहा है। और ये जो पी सेट आपको घुमा के एडजस्ट करना पड़ेगा 110 वोल्ट। तो देखिए मैं धीरे धीरे ये पी सेट को घुमा रहा हूँ और मीटर पर आप फॉलो कीजिए, ये देखिए बढ़ रहा है, ठीक है, ये देखिए बढ़ रहा है और आउटपुट डैमी लोड भी देखिए धीरे धीरे जल रहा है। तो मीटर पर फिर भी फॉलो कीजिए। तो दोस्तों अभी मैं 100 वोल्ट किया, ठीक है। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ करने का बाद आपको जो इसी टाइम देखूँगा कि अभी इसी टाइम ये जो फीडबैक लाइन है इसका अंदर दो रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस है। ये जो 110 वोल्ट लाइन से ये जो फीडबैक लाइन का अंदर यहाँ पर देखिए तीन रेजिस्टेंस है, 1, 2, 3, ठीक है। ये रेजिस्टेंस अभी काम पर नहीं आएगा क्योंकि ये सेक्शन का अंदर ऑप्टोकॉपलर सेक्शन का अंदर कुछ भी मैं कनेक्शन नहीं किया। तो इसीलिए आप ये रेजिस्टेंस को ओपन भी कर सकते हो और ओपन मैं काट देता हूँ क्योंकि ये सेक्शन फॉल्ट होगा तो इसी का रीजन से भी फॉल्ट भी आ सकता है, मॉड्यूलर भी फॉल्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसका अंदर जो रेजिस्टेंस है ये मैं ओपन कर देता हूँ आपका सामने। ये तीनों रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर दूंगा। देखिए सॉरी, यहाँ पर जो तीन रेजिस्टेंस है तो दोस्तों ये फीडबैक लाइन का रेजिस्टेंस है, तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस काम पर नहीं आएगा। तीनों रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर दिया, ठीक है, आप अच्छा करके देख सकते हो, मैं लाइट देके दिखाना चाहता हूँ। देखिए तीनों रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया, ठीक है। तो चलिए अभी इसी टाइम 110 वोल्ट को दोबारा एडजस्ट करके देखाऊंगा, ठीक है, दोबारा एडजस्ट करके देखाऊंगा। मीटर को मैं फिर भी अप और रखने के बाद अब देखिए मैं फिर भी सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस ओपन करने के बाद थोड़ा सा वोल्टेज हाई और लो हो सकता है, ठीक है। देखिए मीटर पर फॉलो कीजिए और मैं सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। फिर भी देखिए सप्लाई दे दिया, अभी भी 101 वोल्ट है, तो कोई बात नहीं, सेम वोल्ट ही है। और पी सेट थोड़ा सा घुमाने के बाद ये देखिए दोस्तों थोड़ा हाई हो गया, ये देखिए 110 मैं प्रॉपर काट दिया, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों ये सब कनेक्शन आउट कर देता हूँ, ठीक है। एक सब कनेक्शन आउट करने के बाद इसका जो ESD सप्लाई को मैं ओपन करके रखा हूँ, ESD सप्लाई कनेक्ट करने के बाद मैं नॉर्मली ऑन करके देखूँगा कि ESD प्रॉपर बन रहा है कि नहीं, ये रेजिस्टेंस कनेक्शन करने के बाद। और ये मैं हीट सिंक का अंदर अभी
टाइट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद फाइनली आपको लास्ट में एक बार दिखाऊंगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी एक बार इसी टाइम ESC सप्लाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया और सोल्डरिंग भी करना पड़ेगा। चलिए सोल्डरिंग करने के बाद आपको फिर भी एक बार सप्लाई देके देखूंगा, ठीक है। अभी भी मॉड्यूलर यहाँ पर है। तो दोस्तों टेस्ट करने के लिए मॉड्यूलर को आप बाहर से ही इस तरह टेस्ट कर सकते हो, बट फाइनली आपको हीट सिंक का सब कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ESC का आपको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, बेसबोर्ड को थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। और ESC बन रहा है कि नहीं सब कुछ पता चल जाएगा अभी इसी टाइम। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ESC बन रहा है, अभी ESC सप्लाई कितना है 115 हो गया, ठीक है। और ये 180 वोल्ट लाइन के अंदर वोल्टेज 153 है क्योंकि अनलोड कंडीशन पर है, और ये कॉइल कनेक्शन करने के बाद ये 180 वोल्ट के आसपास हो जाएगा। दोस्तों वो बात है कि ESC का साथ सप्लाई कनेक्शन करने के बाद ये मॉड्यूलर साथ साथ शॉर्ट हो जाता है कुछ टाइम का बाद ही। तो इसीलिए पिक्चर ट्यूब का साथ भी मैं एक बार कनेक्शन करूँगा। कनेक्शन करने के बाद तो दोस्तों मैं कुछ टाइम ऑन करके देखूँगा और उसके बाद आपको फिर भी देखूँगा कि ये प्रॉब्लम होता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं पिक्चर ट्यूब पर पूरा फिटिंग्स करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों लास्ट में PCB को अच्छा तरीके से आधा घंटा तक टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद और वीडियो बनाने के लिए मैं भूल गया, बट दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, PCB भी ओके चल रहा है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।